गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। इट्स योर मैथ क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मीनिंग होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेटमेंट को एक्सपेंड करना, उसे खोलकर लिखना, उसे तोड़कर लिखना। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मीनिंग होता है? किसी भी स्टेटमेंट को खोलकर लिखना और उसे तोड़कर लिखना। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, 4718। क्या है? 4718। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट पे जो हमारे पास 4 है, वो 4 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है? 1000 की प्लेस पे। तो 4 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 4000। उसके बाद प्लस का साइन। नेक्स्ट हमारे पास जो 7 है, वो 7 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे। कौन सी प्लेस पे? 100 की प्लेस पे। तो 7 का क्या आ जाएगा? 700। नेक्स्ट प्लस का साइन। नेक्स्ट हमारे पास जो 1 है, वो 1 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है? 10s की प्लेस पे। तो 1 का क्या आ जाएगा? 10। नेक्स्ट प्लस का साइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो 8 है, वो 8 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है? 1s की प्लेस पे। तो 8 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। रिपीट अगेन। 4 हमारे पास 1000 की प्लेस पे था, इसीलिए 4 का क्या आ जाएगा? 4000। प्लस का साइन। नेक्स्ट हमारे पास जो 7 है, 7 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे। तो 7 का क्या आ जाएगा? 700। प्लस का साइन। उसके बाद जो हमारे पास 1 है, वो 1 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है? 10s। तो 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। नेक्स्ट प्लस का साइन। उसके बाद जो हमारे पास 8 है, वो 8 हमारे पास कौन सी प्लेस पे था? 1s की प्लेस पे। तो 8 का क्या आ जाएगा? 8। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, 3208। क्या है? 3208। यहाँ पे हमारे पास जो 3 है, वो 3 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है? 1000 की प्लेस पे। तो 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 3000। नेक्स्ट प्लस का साइन। उसके बाद जो हमारे पास 2 है, वो 2 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे। तो 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 200। नेक्स्ट प्लस का साइन। उसके बाद हमारे पास जो 10s की प्लेस है, 10s की प्लेस पे हमारे पास क्या है? 0। मतलब 10s की प्लेस पे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसीलिए 10s की प्लेस पे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 8। 8 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है? 1s की प्लेस पे। तो 8 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। रिपीट अगेन। 3 हमारे पास 1000 की प्लेस पे है, तो 3 का हमारे पास 3000 आ जाएगा। उसके बाद जो 2 है, 2 हमारे पास 100 की प्लेस पे है, तो 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 200। नेक्स्ट प्लस का साइन। उसके बाद 10s की प्लेस पे हमारे पास 0 है, 10s की प्लेस पे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए 10s की प्लेस पे हम कुछ भी नहीं राइट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 है, 8 हमारे पास 1s की प्लेस पे था, तो 8 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मीनिंग होता है? किसी भी स्टेटमेंट को जोड़कर लिखना। जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दी गई हैं, हमें उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करनी है, हमें उनको जोड़कर लिखना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, 4000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 2। क्या है? 4000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 2। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है 4000, तो 1000 की प्लेस पे हम कौन सा डिजिट राइट करेंगे? 4। नेक्स्ट हमारे पास है 500, तो 100 की प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? 5। नेक्स्ट हमारे पास है 30, तो 10s की प्लेस पे हमारे पास कौन सा डिजिट आएगा? 3। नेक्स्ट हमारे पास है 2, तो 1s की प्लेस पे हमारे पास कौन सा डिजिट आएगा? 2। रिपीट अगेन। फर्स्ट हमारे पास था 4000, तो 1000 की प्लेस पे हमने कौन सा डिजिट राइट किया? 4।
नेक्स्ट हमारे पास था 500, तो 100 की प्लेस पे हमने क्या राइट किया, 5। नेक्स्ट हमारे पास था 30, तो 10s की प्लेस पे हमारे पास कौन सा डिजिट है, 3। तो नेक्स्ट हमारे पास है 2, तो 1s की प्लेस पे हमारे पास कौन सा डिजिट आएगा, 2। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, 3000 प्लस 60 क्या है, 3000 प्लस 60। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे है 3000, थ्री हमें हमारा क्या डिजिट आएगा, 3। क्या डिजिट आएगा, 3। नेक्स्ट उसके बाद हमारी होती है 100 की प्लेस। 100 की प्लेस पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए हमने 100 की प्लेस पे क्या राइट किया है, 0। क्या राइट किया है, 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, 60। 60 हमारे पास कौन सी प्लेस पे आता है, 10s की प्लेस पे। कौन सी प्लेस पे, 10s की प्लेस पे। तो 60 का हमारे पास क्या डिजिट आएगा, 6। क्या आएगा, 6। नेक्स्ट लास्ट पे हमारी होती है 1s की प्लेस। 1s की प्लेस पे यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए 1s की प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, 0। क्या राइट करेंगे, 0। रिपीट अगेन, फर्स्ट हमारे पास था 3000, तो 1000 की प्लेस पे कौन सा डिजिट आया, 3। नेक्स्ट हमारे पास 100 की प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं था, इसीलिए हमने 100 की प्लेस पे क्या राइट किया, 0। नेक्स्ट हमारे पास था 60, तो 10s की प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट आया, 6। नेक्स्ट लास्ट पे 1s की प्लेस पे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं था, इसलिए हमने 1s की प्लेस पे क्या राइट किया, 0। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपने एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ़।